नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैरेज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अगर आपकी पाजियो वेस्पा 125 ऐसे किक लगाने से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, सेल्फ स्टार्ट लगाने से भी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या आपको एग्जैक्टली करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, मैंने किक मार के भी देख लिया है, सेल्फ स्टार्ट मार के भी देख लिया है, और इधर मैंने सिर्फ दिखाने के लिए थोड़े किक्स लगाए हैं, लेकिन एक घंटे से मैं किक्स लगा रहा हूँ फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो पहले मैं इसका स्पार्क प्लग निकाल के चेक करूंगा अगर उसको स्पार्क आ रहा है या उसको ठीक से पावर सप्लाई पहुंच रहा है। तो पहले आपको इधर नीचे आना है और ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है वो आपको खोलना है। इसको एक स्क्रू रहता है, स्क्रू आपको ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेके बाहर निकालना है। तो ये निकल गया मेरा स्क्रू बाहर। अब आपको इस शेल्फ को ऐसे खींचा तो आराम से बाहर निकलेगा। तो ये रहा हमारा स्पार्क प्लग का कनेक्शन। फिर मैं निकालूंगा स्पार्क प्लग का कनेक्शन। ऐसे एक स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको प्राय आउट कीजिए, और प्राय आउट करने के बाद आप ऐसे हाथ से खींचा तो ऐसे हिला हिला के ऐसे आपको इसको बाहर निकालना है। तो ये छूट गया मेरा कनेक्शन। तो ये कनेक्शन छोड़ने के बाद ये सॉकेट को ऐसे मैं टर्न करके वायर से अलग कर दूंगा और इसका वायर टेस्ट करूंगा अगर इसमें स्पार्क आता है या करंट सप्लाई आ रही है। तो इसे हेड केसिंग के ऊपर लगा के आपको चेक करना है स्टार्ट करके। अगर स्पार्क आ रहा है तो इधर मेरा स्पार्क आ रहा है, मतलब करंट सप्लाई है। तो सॉकेट में वापस बिठाऊंगा और अब मैं निकालूंगा मेरा स्पार्क प्लग। तो ये रहा मेरा स्पार्क प्लग। तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा ये स्पार्क प्लग निकालने का सॉकेट, ये हर बाइक के साथ आता है, और आपको चाहिए पड़ेगा एक 17 mm का सॉकेट स्पार्क प्लग को टर्न करने के लिए। आपकी जो बाइक के साथ टूल आते उसमें ये आएगा, उसको निकालिए और इसे लगाइए। लेकिन इसको घुमाते समय मैं देख रहा हूँ कि ये ऐसे ही घूम रहा है, ये क्या हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। तो देखा जाए तो मैं भी इधर थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, हाथ से कैसे लूज हो रहा है। तो इसको और थोड़ा घुमा के मैंने बाहर निकाला तो मैंने देखा ये कोई दूसरे टाइप का स्पार्क प्लग है। फिर मुझे पता चला कि आधा स्पार्क प्लग इंजन के अंदर ही रह गया है। इधर आप देख सकते हो ये स्पार्क प्लग आधा ही बाहर निकल गया है। लेकिन इसको टेस्ट करके देखते हैं अगर इसमें स्पार्क आता है तो। पहले तो सॉकेट में स्पार्क प्लग को कनेक्ट करूंगा और स्पार्क प्लग को केसिंग को टच करके बाइक को चालू करूंगा और देखूंगा। तो इधर आप देख सकते हैं स्पार्क आ रहा है और बहुत धूल जैसा मेरा बाहर गया है इंजन में से। तो इधर आप देख सकते हैं आधा स्पार्क प्लग अंदर रह गया है। तो हम लोगों ने इसको बहुत ट्राई किया निकालने को, वेल्डिंग करके, टैग डाल के, लेकिन वो बाहर नहीं निकला क्योंकि बहुत ही कम जगह थी और हम लोग ऐसे वेल्डिंग में प्रोफेशनल भी नहीं थे। तो नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने सोचा अभी पूरी बाइक खोलनी पड़ेगी। तो ये पूरे बाइक खोलने का वीडियो अगर आप चाहते हो, वो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बोल देना। तो आगे का सेक्शन हम लोगों ने इंजन से अलग कर दिया, प्लास्टिक का कवर बाहर निकाला। तो मैंने देखा कि इस स्पार्क प्लग को हम लोग ये साइड से एक्सेस कर सकते हो, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। तो एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेके मैंने ऐसे दो फटके लगाए और बाद में लूज हो गया। तो लूज होने के बाद मैंने वही स्क्रू ड्राइवर लिया और ऊपर से डाल दिया ऐसे, और उसके ऊपर दो फटके लगाए तो उसने ग्रिप पकड़ लिया, वो स्पार्क प्लग में घुस गया। फिर ऐसे वाइस प्लायर लेके मैंने उसको टर्न कर दिया और बाद में उसको ऐसे टर्न कर करके आसानी से बाद में बाहर निकल गया। तो ये निकल गया बाहर मेरा टूटा हुआ स्पार्क प्लग, जिसने मुझे बहुत परेशान किया है, आप लोगों ने देख ही लिया है। 5 मिनट का काम इसने पूरा एक दिन का काम बना दिया। फिर ये रहा मेरा नया स्पार्क प्लग। अब ये नया स्पार्क प्लग कैसा डालना है वो बहुत ही सिंपल है। ऐसे आपको लगाना है आपके सॉकेट में जो आपके बाइक के साथ मिला था, और फिर इस होल से आपको ऐसे अंदर डालना है। तो अगर ये टूटता नहीं तो ऐसे अच्छी तरह से मैं आपको दिखा भी नहीं सकता था। तो इधर आप साइड व्यू से देख सकते हो कैसे स्पार्क प्लग अभी अंदर जा रहा है, और फिर आपको उसको अच्छी तरह से टाइट करना है। इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद आपको जो सॉकेट आपने बाहर निकाला था वो वापस लगाना है, और से आपका स्पार्क प्लग हो जाता है रिप्लेस। तो बाइक मैंने इधर पूरी जोड़ दी है और अभी देखते हैं अगर ये चालू हो जाती है तो। चालू होने से पहले बहुत किक्स मुझे लगाने पड़े क्योंकि कार्बोरेटर मैंने क्लीन किया था, सब पाइप्स मैंने छोड़ दिए थे। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको पहली बार बहुत बार किक लगाना पड़ता है और फिर जाके आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इधर आप देख सकते हैं मेरी बाइक हो गई है स्टार्ट, और ये था मेरा सक्सेस। तो इसके ऊपर और भी वीडियोस मैं डालने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और ऐसे आपको कोई भी मेरा वीडियो मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में।